दोस्तों, ब्रेड काटने के बाद ब्रेड के इस पार्ट का या तो आप ब्रेड क्रम्स बनाते होंगे या फिर इसे फेंक देते होंगे। आपने कभी इसकी मिठाई नहीं बनाई होगी। चलिए आज इससे हम मिठाई बनाएं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम ये ब्रेड के बचे हुए साइड्स को। अब हम लेंगे एक पैन। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे ब्रेड के कटे हुए पार्ट को। अब हम इसे लो फ्लेम पर इस प्रकार से चलाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, तब तक कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। हम इसे ग्राइंडर में इस प्रकार से निकाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे सिर्फ दरदरा पीस लें इस तरह का। और फिर इसे एक बाउल में इस प्रकार से निकाल लें। कढ़ाई में लेंगे 1 लीटर दूध और इसे इस तरह से मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे। जब तक कि ये गाढ़ा हो रहा है लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को इस प्रकार से पैन के चारों तरफ फैला लें। अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। इस प्रकार से भून लें। अब ब्रेड मिक्स जो हमने ग्राइंड करके रखा था इसे भी हम इसी में डालेंगे और 1 मिनट इसे भी भून लेंगे। अब ये मिक्स रेडी है। अब हम देखते हैं हमारा दूध कितना थिक हो गया है। दूध अब थिक हो चुका है। डालेंगे इसमें 4 से 5 कुटी हुई इलायची और इसे 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब इसमें डालेंगे इतना मिल्क पाउडर और 4 से 5 चम्मच शुगर पाउडर। इसे लगातार इस प्रकार से चलाएं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। फिर डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क मेड जो कि इसके टेस्ट को काफी बढ़ाएगा। दोस्तों, मिल्क मेड और मिल्क पाउडर ये दोनों ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब ये मिक्स जो हमने तैयार करके रखा था इसे भी हम इस प्रकार से इसमें मिलाएंगे और लगातार चलाएंगे। अब लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे इस प्रकार से चलाएं, तब तक कि जब तक कि मिक्स से घी छोड़ने न लगे। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश और इसे इस प्रकार से चलाएंगे। अब कोई सा भी ट्रे ले लें, इसमें बटर पेपर डाल दें और उसके ऊपर इस प्रकार से घी लगा लें। अब इसके ऊपर इस प्रकार से आप बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। अब इसे इस ट्रे में इस प्रकार से डाल लें और स्पैचुला से दबा दें। अब इसे 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में डाल दें जिससे कि ये थोड़ा सख्त हो जाए। अब इसे पलट दें और बटर पेपर इस प्रकार से निकाल दें। अब चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर लीफ लगा दें बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए। और इसके बाद हम इसे इस प्रकार से काट लेंगे। तो
दोस्तों ये मिठाई काफी टेस्टी था, जिसे मैंने ब्रेड के उस पार्ट से बनाया जिसे मैं अक्सर फेंक दिया करती थी। दोस्तों इस मिक्स से आप लड्डू भी बना सकते हैं। इस प्रकार से इसे हाथ में ले और इसकी लड्डू बना ले। लड्डू भी काफी टेस्टी लगा। बहुत बढ़िया है, बहुत के लड्डू बना, एकदम बढ़िया बढ़िया।